स्वागत है आप सभी को फिर एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में मजे में होंगे। तो गाइस आज मैं आप सबको एक ऐसा चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, इससे पहले कि मैं बात करूँ कभी नहीं दिखाया था। तो वो क्या चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ तो वहाँ पहुँचने के बाद ही आप सभी को मैं दिखाऊँगा। तो गाइस मैं अपने रूम से निकल चुका हूँ, तो अभी मैं फिलहाल सिकुर से भी हूँ, तो आप सभी को मेन रोड दिख रहा होगा। तो चलिए आप सभी को आगे पहुंचने के बाद ही आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि आखिर मैं कहां जा रहा हूं। तो चलिए आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, जैसे कि आप सभी को मेरा चेहरा का मुस्कान देख के पता चल गया होगा। हमको 15 किलोमीटर तो सफ़र करना पड़ेगा आज साइकिल से। गाइस ये रहा हम बाईपास रोड और मुझको इस रोलर रोड पर जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ आयता गाँव। तो अभी यहाँ से एक मेरा दोस्त आ रहा है, नाम है बीर सिंह देवगम। आप सभी को कॉलेज वाला ब्लॉग में आप सभी को दिखते रहता था, तो आप सभी को मैं मिलाऊंगा मेरा दोस्त से। तो पता नहीं घर में क्या कर रहा था होगा। तो गाइस ये रहा मेरा दोस्त। हेलो दोस्तों, कहते हैं आप दोस्त। इसका नाम है बीर सिंह देवगम और आप सभी को मेरा कॉलेज का ब्लॉग में दिखते रहता था। तो पहले भी हम आए हुए थे इधर, तो मेरा दोस्त बोलता था इधर आते हो तो हमसे मिल के जाया करो। तो मुझको नहीं पता था कि इसका घर भी इधर है, तो आयता गाँव में रहता है। मिलकर काफी अच्छा लगा ना बीर सिंह। बीर सिंह आज हमको घुमाएगा इधर के जितना भी नज़ारा है, अच्छा अच्छा सारा कुछ बीर सिंह के द्वारा हो पाएगा। तो चलिए थैंक यू आपको कोई बात नहीं। और इधर ने बहुत बड़ा कुजू नदी है गाइस, आप सभी को मैं नहीं दिखाया हूँ। तो एक तो आज बीर सिंह का गांव का नदी में नहाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आज का ब्लॉग में आप लोग को पूरा दिखाएंगे हम लोग नदी का एरिया कैसा है। अच्छा है कि करा दे होता आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह से है और साइकिल को हम लोग दोनों ले जा रहे हैं, वो भी साइकिल लेके आया हम भी लेके आए हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अभी। बाढ़ आने की वजह से टूट गया होगा। तो चलिए यहाँ आसपास का कंप्लीट दिखाएंगे आप सभी को, कंप्लीट बैकग्राउंड, कहीं गिर ना जाए यार। इधर इधर का कहीं किनारे किनारे जो होता है ना खूंटा सब, वो सब नहीं है यहाँ पर, कुछ कुछ ही पुलिया खूंटा सब है, क्योंकि ये जो अभी पुलिया है ना इसमें अभी गाड़ी उड़ी आना बंद हो गया है। तो गाइस अभी हम पुलिया के ऊपर हम पहुंच चुके हैं जो सबसे बड़ा पुलिया है। तो मैंने आप सबको यहाँ आसपास का नज़ारा दिखा दिया है, तो आई होप कि आप सभी को जरूर से पसंद आएगा। तो गाइस अभी हम दोनों और भी एक अच्छा जगह पे आए हुए हैं, बहुत ही मस्त बहुत ही प्यारा लोकेशन पर आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इधर का भी आप सबको नज़ारा दिखाएंगे। तो गाइस मैंने आप सभी को कुजू नदी का जितना भी सीन दिखाना था तो मैंने आप सबको दिखा दिया है। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो यहाँ पर पिकनिक वगैरह बहुत सारे घूमने के लिए आप आ सकते हो, यह मोस्ट वेलकम है।
आप सभी को दिख रहा है मेरे पीछे बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा नदी दिख रहा है। ये जो नदी का नाम है कुजू नदी है, डैम बनने वाला है जो झारखंड का सबसे बड़ा डैम होगा बोलता है। तो चलिए वहाँ पर नहाएंगे और बहुत तेज धारा है गाइस, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अंदर ज़्यादा नहीं घुसना है। तो चलिए और कंप्लीट दिखाएंगे गाइस कैसे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हो बहुत ही प्यारा नदी। तो चलिए आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट दिखाएंगे गाइस आप सभी को कैसे कैसे सीन है। तो गाइस अभी हम इसी नदी पे नहाएंगे, तो वीर सिंह भी अपना ड्रेस चेंज करने में चालू कर दिया है। तो चलिए हम भी अभी ड्रेस चेंज करेंगे और नहा के मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है ज़रूर आप सबको मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी फटाफट से ड्रेस खोलते हैं। तो वीर सिंह बाबू जाओ अंदर, तुम पहले घुसो क्योंकि तुम्हारा इलाका है। इधर सर घुसता वीर सिंह घुस चुका है पानी में। मेरा तो यार नया है ना, फर्स्ट टाइम है। अभी हम दोनों नहा धोवा के निकल चुके हैं, तो अभी हम दोनों यहाँ रोड पे आ गए हैं। तो अभी वीर सिंह का गांव पहुंचने वाला है। तो वीर सिंह का गांव क्या नाम है? आयता गांव है, तो चैवसा रोड में ही है। जस्ट इधर से अगर जाइएगा तो टाटा से इधर आइएगा चैवसा, तो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड में होगा। तो वीर सिंह ने मुझको आज बहुत ही अच्छा घुमाया फिराया इधर। मैं नया इधर आसपास का जो नज़ारा है मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो वीर सिंह ने मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ दिखाया, बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाया। तो आप सभी ने देख लिए होंगे, तो आई होप कि आप सबको जरूर से पसंद आया होगा। तो यहाँ आसपास का ना नज़ारा बहुत ही अच्छा अच्छा है, तो आप सबको मैं दिखा देना चाहूँगा। ये लोग का जो गांव है ना बहुत मस्त है गाइस, बहुत मस्त। तो चलिए आप सबको यहाँ आसपास को थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा। वाइट वाइट जो दिख रहा है आप सभी को, ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ पर खेती किया गया है। एक तरह का क्या घास ही है, तो उसमें फूल फूल जैसा दिखता है, तो काफ़ी प्यारा दिखता है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। लोग बहुत दूर दूर से लोग फोटो क्लिक कराने आते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक बार आप सबको दिखा देना चाहूँगा। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप गाइस आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग सा वीडियो आप सभी के लिए डेली लाता रहूँगा। तो मिलते हैं गाइस दूसरे नए ब्लॉग में। तो वीर सिंह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्होंने मुझको यहाँ आसपास इतना अच्छा नज़ारा दिखाया। दोस्त हो तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इधर मेरा फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी अच्छा लगा। आप भी आइए इधर, खूब इंजॉय कीजिए, इधर घूमने फिरने के लिए आइए। बहुत ही प्यारा नदी है गाइस, आप अगर देखते हैं तो बहुत खुश हो जाइएगा आप भी। तो मिलते हैं गाइस दूसरे नए ब्लॉग में। बाय।